मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। पूरे भारत देश में दशहरा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान अपनों से दूर रहकर ये त्योहार मनाते हैं। ऐसे में एलएसी पर तैनात जवानों के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग पहुंचे और उन्होंने चीन से लगी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जवानों के साथ दशहरा का त्योहार मनाया। मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं, आपको आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के अलग अलग अधिकारियों के साथ फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया। राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रणनीतिक हालात का जायजा भी लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तवांग में शस्त्र पूजा भी की। देशवासियों के को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आप ने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8-9-10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। बता दें कि आज विजयादशमी यानी दशहरे का त्योहार है। देश के कोने कोने से इस त्योहार से जुड़ी अनोखी झलकियां सामने आ रही हैं। ऐसे में इस दौरान भारतीय सेना में भाईचारे और एकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। बता दें कि रक्षा मंत्री का यह तवांग दौरा काफी मायने रखता है। पिछले करीब 3 साल से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और अभी भी सीमा पर आपसी विश्वास और सौहार्द का माहौल नहीं बन पाया है। दोनों ओर से गतिरोध जारी है।